नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। मैनपुरी तहसील किसनी के गांव नगला सीसम में श्रीमती अनार पत्नी बलराम सिंह जाटव के घर में गांव की नालियों का पानी जा रहा है, जिससे बलराम सिंह का मकान गिरने की कगार पर है। 100 मीटर दूर एक गंदा नाला है, लेकिन गाँव के दबंग लोगों ने पानी की निकासी आगे से बंद कर रखी है। प्रधान भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते पानी बलराम के घर के पास रुका रहता है, जिससे मकान गिरने की कगार पर है। मैनपुरी थाना कोतवाली में शराब माफिया की संपत्ति जब्त। शराब माफिया दलवीर सिंह लोधी की संपत्ति के अनुसार नया बना मकान जब्त, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 20 लाख रुपए है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई विभाग के द्वारा जब्त किए हुए मकान में लगाया गया नोटिस। लॉकडाउन का फायदा उठाकर हलवाई कर रहे हैं जमकर मिलावटखोरी। विभाग चुप्पी साधे हुए है, नहीं हो रही कार्रवाई। सिंथेटिक दूध का खोया हो रहा है घेवर में प्रयोग। जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन कोरोना महामारी में बिजी। इधर मैनपुरी शहर व कस्बा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वही हलवाई इस कोरोना वायरस का फायदा उठाकर जमकर मिलावटखोरी करने में लगे हुए हैं। वही चिकित्सकों का कहना है कि इस मिलावट से लोगों की जान भी जा सकती है। फर्जी पुलिसकर्मी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी आई कार्ड दिखाकर लोगों पर बनाता था दबाव। फर्जी पुलिसकर्मी अरुण यादव उर्फ लालू मैनपुरी शहर के राजाबाग का रहने वाला है। आरोपी मैनपुरी शहर में कई घटनाओं को दे चुका है अंजाम। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर फर्जी पुलिसकर्मी को जेल भेजने की कार्रवाई की। मैनपुरी थाना बेवर के गाँव रघुपुर चौकी तोड़पुर में एक लड़का रोटावेटर में फंसा। सनी पुत्र राम सेवक यादव कुमार करीब 11 वर्ष खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। बच्चा ट्रैक्टर पर बैठा था, जो पीछे गिर जाने से रोटावेटर में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पीआरबी 3762 बाद चौकी तोड़पुर और थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने आवश्यक कार्रवाई कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। आगे की कार्रवाई परिजनों की तहरीर के आधार पर की जाएगी। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा पुलिस लाइन में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन परेड सलामी के पश्चात निर्माणाधीन बैरक भवन मेज आदि का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण कर साफ सफाई व अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा परेड में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारी को कोविड-19 से बचाव संबंधित जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया।